सो फाइनली गाइस मोटो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है मोटो G82 5G, जिसका आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ पोको X4 Pro के साथ, क्योंकि दोनों के प्राइस एंड स्पेसिफिकेशंस आसपास हैं, इसलिए सबसे पहले कंपेयर हो रहा है डिज़ाइन के कारण। एंड मोटो G82 में आपको एंड्रॉयड V12 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 173 ग्राम इसमें आपको वजन देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए दोनों के लुक्स के कारण का, दोनों के लुक्स यहाँ पर मुझे डेफिनेटली पसंद आ रहे हैं। एंड इसके बाद बात की जाए पोको X4 Pro के बारे में, तो इसमें आपको एंड्रॉयड V11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको अपडेट के बाद एंड्रॉयड V12 हो जाएगा। वेट की बात की जाए तो पोको एक्स प्रो थोड़ा भारी है, ये इसमें आपको 205 ग्राम वजन देखने को मिलेगा हाइट। एंड इसके बाद बात की जाए दोनों के हाइट के बारे में, दोनों में आपको सेम हाइट देखने को मिल रहा है जो कि 160 mm। एंड इसके बाद बात की जाए दोनों के यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में, तो मोटो G82 में आपको इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही है जो कि है 6.6 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले। एंड इसी के साथ साथ बात की जाए इसके ब्राइटनेस के बारे में, तो इसमें आपको शायद 600 निट्स के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए इसके HDR के बारे में, तो इसमें आपको कोई HDR10+ सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। पोको X4 Pro की बात की जाए तो इसमें आपको 6.4 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है जो कि इस प्राइस रेट में अच्छी है, बट 1200 निट्स की डिस्प्ले एंड 90Hz का रिफ्रेश रेट में आपको देखने को मिल रहा है। एंड इसमें भी आपको कोई HDR सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर बात की जाए डिस्प्ले के विनर के बारे में, तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट के कारण यहाँ पर मोटो G82 विनर रहता है, बट ब्राइटनिंग निट्स के कारण यहाँ पर पोको X4 भी इसे टक्कर दे रहा है। एंड यहाँ पर ओवरऑल बैनर निकलता है रिफ्रेश रेट के कारण G82। एंड इसके बाद बात की जाए प्रोसेसर एंड परफॉर्मिंग के बारे में, तो मोटो G82 में आपको स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है एंड रेनो 619 एंड LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल रहा है। पोको X4 Pro की बात की जाए तो इसमें आपको सेम प्रोसेसर इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है जो कि स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है एंड रेनो 610 एंड इसमें आपको ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है। एंड बात की LPDDR4X इसमें आपको रैम टाइप देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर बात किया ओवरऑल विनर के बारे में, जब दोनों के स्पेसिफिकेशन पूर्णता सेम है तो यहाँ पर कोई भी विनर नहीं निकल के आता है। एंड यहाँ पर दोबारा बात की जाए कि इस प्राइस रेट में स्नैपड्रैगन 695 नॉर्मल है, बट ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड इसके बाद बात की जाए दोनों के कैमरा सेटअप के बारे में, तो मोटो 682 में आपको मोटो G82 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, वहीं फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। वहीं 30 FPS तक इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी जो कि बैक एंड फ्रंट कैमरा से दोनों से। एंड पोको X4 Pro की बात की जाए तो उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है। वहीं बैक कैमरा से इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 30 FPS तक, जो कि सेम फ्रंट कैमरा से भी हो रही है। इसलिए कैमरा के मामले में यहाँ पर मेगापिक्सल के कारण यहाँ पर पोको X4 Pro विनर रहता है। एंड बात किया बैटरी एंड चार्जर के बारे में, तो मोटो G82 में आपको 5000mAh बैटरी के साथ 30W का चार्जर है जो कि 0 से 100% बैटरी कर रहा है 70 मिनट में। वहीं पोको X4 Pro की बात की जाए तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, 67W का चार्ज देखने को मिल रहा है जो कि 0 से 100% बैटरी चार्ज कर रहा है केवल 40 मिनट में। इसलिए बैटरी एंड चार्जर के मामले में यहाँ पर पोको X4 Pro विनर निकलता है। एंड इसके बाद बात की जाए दोनों के अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जैसे कि मोटो G82 में आपको 5G नेट कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, 3.5 का जैक देखने को मिल रहा है एंड इसी के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। वहीं पोको X4 Pro में भी आपको 5G नेट कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, 3.5 का जैक देखने को मिल रहा है एंड इसमें आपको 3.5 जैक के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर ओवरऑल विनर की बात की जाए तो दोनों को स्पेसिफिकेशन यहाँ पर सेम है। प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर मोटो G82 में आपको 628 वाला वेरियंट लॉन्च हो सकता है 18999। वहीं पोको X4 का 664 वाला वेरियंट है वो लॉन्च हुआ है 16990 में। एंड यहाँ पर ओवरऑल विनर निकलता है पोको X4 Pro 5G, क्योंकि इसमें आपको 67W का चार्जर देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम है। इसलिए सिर्फ चार्जर के मामले में यहाँ पर पोको X4 Pro विनर निकलता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको पोको X4 Pro विनर परचेज़ करना चाहिए।